कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब भी हम किसी काम को बिना डरे बिना घबराहट से करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस कहलाता है, वो आत्मविश्वास कहलाता है। मगर हम बहुत बार ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत है, जिनके अंदर काबिलियत बहुत है, मगर आत्मविश्वास की कमी है। और उसी आत्मविश्वास की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसी आत्मविश्वास की कमी के कारण वो पीछे रह जाते हैं। यहाँ पर मैं एक इंसिडेंस शेयर करती हूँ, एक सिचुएशन शेयर करती हूँ। पर्सन ए पर्सन बी दो पर्सन इंटरव्यू के लिए गए हैं। पर्सन ए के पास बहुत नॉलेज है, एकेडमिकली भी वो बहुत हाई स्टूडेंट रहा है और उसके पास नॉलेज भी बहुत है। बट पर्सन बी एवरेज स्टूडेंट रहा है और उसकी नॉलेज भी उतनी नहीं थी। बट इंटरव्यू के टाइम पे पर्सन ए हेजिटेशन में था, वो आंसर नहीं दे पाया, वेयर एज पर्सन बी ने सारे आंसर्स कॉन्फिडेंटली दिए। एंड फाइनली पर्सन बी गॉट सिलेक्टेड बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल, एंड पर्सन ए गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जाता है और यही एक कॉन्फिडेंस है जो आपको पीछे ले जाता है। दोस्तों, आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट पर्सन है जो उन्होंने मून पर लैंड किया था। बट डू यू नो द रियालिटी? हैव यू हर्ड अबाउट एडविन एल्ड्रिन? यू नो एक्चुअली ये पूरे मिशन को इम्प्लीमेंट किया था एडविन एल्ड्रिन ने। ही वॉज द पायलट एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द को पायलट। और जब वो मून पे पहुंचे, लैंड करने की बारी आई, नासा से सिग्नल आया, पायलट लैंड, जस्ट फॉर सेकेंड्स, नॉट फॉर आवर्स, नॉट फॉर मिनट, जस्ट फॉर सेकेंड्स, एडविन एल्ड्रिन के माइंड में थॉट आया, अगर मैं लैंड करूंगा मैं बच जाऊंगा या मर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा या क्या होगा, जस्ट फॉर सेकेंड्स। एंड इमिडिएटली नासा से दूसरा सिग्नल आ गया, को पायलट लैंड, एंड नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड विदाउट गिविंग अ थॉट। Without hesitation, he landed and he created history of, and he became the first man who landed on the moon. Neil Armstrong का नाम पूरी दुनिया में छा गया और वहीं Edwin Aldrin पीछे रह गया। So दोस्तों, ये confidence ही एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ जाते हैं, और इसी एक चीज़ की वजह से आप हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तब भी अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं डॉक्टर कोमलप्रीत कौर, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट एंड माइंड डिज़ाइनर, एक सिंपल सा आपको टिप देने जा रही हूँ जिसकी वजह से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं जिससे आपको मदद होगी हमेशा कॉन्फिडेंट फील करने में। तो दोस्तों, ये क्रिस्टल आता है, क्लियर क्रिस्टल आता है, आपने इसको लेना है, इसको ऐसे लेफ्ट हैंड में रखना है एंड राइट हैंड से इसको आपने ऊपर ऐसे रखना है और प्रोग्राम करना है। कैसे प्रोग्राम करना है? आपने एफर्मेशन बोलनी है अपने नाम के साथ, बोलना है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड, आई लव माई सेल्फ डीपली एंड कम्प्लीटली। आई रिपीट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, I am very strong and bold. I love myself deeply and completely. तो आपने ऐसी affirmations को repeat करते जाना है 21 times। आपने ये तीनों affirmations को repeat करना है और उसके बाद ये आपका crystal program हो जाएगा उस particular day के लिए। और आप जब भी बाहर जा रहे हैं आपने इस crystal को अपने pocket में रखना है, और उसके बाद जब आप वापस आते हैं रात को सोने वक्त आपने दोबारा इस crystal को program करना है और अपने pillow के नीचे रख देना है। धीरे 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 आपके अंदर जो बिलीफ है lack of confidence का, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे हर एक सिचुएशन के अंदर आप कॉन्फिडेंट फील करना शुरू कर देंगे। और अगर आप किसी भी एक सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट नोटिस करते हैं अपने अंदर, आपको लगता है कि आप उस सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाए हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करना नहीं भूलिए, अपने आप को बूस्ट करिए, अपने आप को रिवॉर्ड करिए, अपने आप को अप्रिशिएट करिए, क्योंकि आपने सिंगल एफर्ट किया और आपने उस सिचुएशन को इफेक्टिवली डील किया। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।